नैलको पे अगला सवाल है, अब्दुल कयूम जी का सवाल है। 200 शेयर उन्होंने लिया, 80 रुपए के भाव पे लिया। नैलको पे क्या राय होगी अंशुल? देखिए मनीष जी, मेरे को पूरा मेटल सेक्टर तेज लग रहा है। टॉपिक हमारी हमेशा की तरह टाटा स्टील रहेगी, लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम भी वीकली चार्ट पे 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके काफी स्ट्रांग रिकवरी दिया है। और आज के सेशन में पूरी तरीके से देखें ना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन है। पिछले 3 दिन की कैंडल पकड़े तो यहाँ से ऐसा लग रहा है 170 रुपए तक की अप मूव मिलेगी। तो अगर लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए, बस स्टॉप लॉस लगा लें 148 का, और 170 तक का टारगेट रहेगा। और थोड़ा सा और समय देते हैं, अगर 1 से 1.5 महीने का, तो 190 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये रहा सीधे तौर पर आते हुए नलको पे। जो अगला सवाल है जेएसडब्ल्यू स्टील पे है। राहुल कुमार जी ने सवाल पूछा है, कॉलमेटर स्टॉक 60 शेयर के पास है, 882 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है। वो जानना चाहते हैं क्या करें। आशीष जी क्या राय होगी जेएसडब्ल्यू स्टील? बहुत समय से काफी अंडर परफॉर्मर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, और यदि मुझे देखें तो जो टाटा स्टील के साथ में जो अंडर परफॉर्मेंस फ्रंटलाइन स्टॉक की गई है वो जेएसडब्ल्यू की रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से निकल जाए, इसके बजाय आप जिंदल स्टील एंड पावर के स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि इसमें स्टील भी है और उसके साथ में उनके पास में पावर सेक्टर की काफी बड़ा कैपेसिटी भी है, तो जो आपको रियल बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि पावर के स्टॉक्स में भी काफी मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक का लक्ष्य जल्दी 800 से 820 रुपए तक जाने का इसमें बिल्कुल दमखम है, और जेएसडब्ल्यू के कंपेरिजन में जल्दी आपको जो भी लॉस है वो रिकवर कराएगा और फंडामेंटली भी अच्छा है। तो जी एस डब्ल्यू स्टील से सीधे तौर पर आप निकल के जीएसपी में स्विच कर जाइए। वंदना राजभर जी का सवाल है, एनएचपीसी पे 500 शेयर है 52 रुपये के भाव पे। एनएचपीसी क्या करे? आशीष आपसे ही सवाल होगा सीधे तौर पे। हमने देखा आशीष जी के तमाम सरकारी कंपनियों के शेयर में देखे बहुत तेजी, फिर थोड़ा दबाव देखने को मिला था। इनको करिए अभी 18,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, होल्ड करें शेयर या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं नहीं मेरी सलाह तो होल्ड करने की रहेगी, क्योंकि मैं पीएसयू बोली हूँ तो मेरे से बहुत आसानी से पीएसयू स्टॉक को बेचने की सलाह नहीं दी जाती। और रीजन ये भी है, हमें ये फंडामेंटल ये भी समझना पड़ेगा, जरूर थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर नीचे इन कंपनियों के आते रहेंगे, बट क्योंकि सरकार जितना भी निवेश कर रही है वो उसका बेनिफिट कैसे ना कैसे करके वो पीएसयू के थ्रू रूट कराना चाहती है। तो चाहे आपका एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, इरीडा हो, पीएफसी आरएसी हो, सभी को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। डिफेंस में एचएएल को, बीडीएल को बेनिफिट मिलने वाला है प्राइवेट सेक्टर की बजाय में, इसीलिए जो निवेश ज्यादा हो रहा है वो पीएसयू सेक्टर में या सरकारी निवेश है। तो इसलिए मैं हमेशा से काफी बुलिश रहा हूँ स्टॉक्स पे और आगे भी बुलिश हूँ, तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी। और लक्ष्य दोबारा से 115 रुपए, जो इसका 52 वीक हाई था, मेरा मानना है कि अगले 3 महीने में दोबारा आप देख सकते तो ये रहा सीधे तौर पर आने पर। वैसे भी आशीष जी ने लगातार जो है ना, मुझे याद है पिछले 6 महीने में सरकारी कंपनियों पे कुछ उन चुनिंदा लोगों में है जिन्होंने बहुत पॉजिटिव नज़रिया दिया था, कहा तक दबा के खरीदिए, मतलब खूब खरीदिए, और हमने एक अच्छी रैली बनते हुए देखी थी। जो अगला सवाल है पिंटू का है, पराग पर उन्होंने सवाल पूछा है, 40 शेयर के पास है, 280 रुपये के भाव पर। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। पराग पे, पराग मिल पुट पे क्या राय होगी अंशुल? देखिए पराग मिल्क ऑफ लेट काफी अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है, और पिछले 2 दिन ये प्रॉफिट बुकिंग में रहा है। ब्रेकआउट जो आया था उसको रीटेस्ट किया है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है 250 के अराउंड, बट स्टॉक स्ट्रक्चरल बुल रन में, थोड़ा समय देंगे 2 से 3 हफ्ते का, तो 340 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। मिड कैप कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर रहा है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, बट 2 से 3 हफ्ते का समय देते हैं तो अच्छे रेट मिल जाएंगे, तो होल्ड करना चाहिए।